कटिहार में उपमेयर मंजूर खान पर लगा अविश्वास प्रस्ताव पारित। कटिहार टॉप न्यूज के सहयोगी रतन कुमार के अनुसार कटिहार में उपमेयर मंजूर खान पर लगा अविश्वास प्रस्ताव पारित। 45 पार्षदों के नगर निगम वाले कटिहार नगर निगम के उपमेयर से जुड़े अविश्वास प्रस्ताव पारित के बैठक में 24 पार्षदों ने शामिल हुए थे, जिसमें से 23 पार्षदों अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी इस बैठक के बारे में नगर आयुक्त ने कहा कि सभी मानकों के आधार पर चुनाव को संपन्न करवाया गया है और उपमेयर पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह पारित हो गया। माननीय उप महापौर के खिलाफ में आज अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया था और सरकार जो संसद जो भी प्रावधान है इसमें अविश्वास प्रस्ताव 2010 के जो तमाम संसद प्रावधान के अंतर्गत इसका संचालन किया गया है। और क्योंकि सभापति जो हमारे मेयर हैं बदपुर से रिक्त है और उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, ऐसे स्थिति में सदन द्वारा श्री पप्पू कुमार पासवान जी माननीय पार्षद वार्ड नंबर 8 इनको आज के बैठक के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से नामित किया गया, चयन किया गया और माननीय अध्यक्ष के अनुमति और देख रेख में आज बैठक संपन्न हुई है। आज कुल 24 माननीय पार्षद इस अविश्वास प्रस्ताव में भाग लिए हैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष को बराबर मत होने पर ही मतदान करने का अधिकार था, जिसकी जरूरत नहीं पड़ी। कुल 24 मत का प्रयोग किया गया है, इसमें से 23 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है और 1 मत जो है वो भी पक्ष में है। इस प्रकार से श्री मनोहर खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ। अब फिर नए चुनाव का प्रक्रिया कब होगा? नए चुनाव की प्रक्रिया जो आज की बैठक की कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से उप महापौर के लिए चयन के लिए उनके स्तर से तिथि तय की जाएगी। थैंक यू सर।